जिसको आप हाईलाइट भी हुआ है, आपने कहा है रेस 3 ऐसा एक फिल्म है जो इसके इससे और फिल्म नहीं बनेगा और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, तो इसका इसके पीछे राज क्या है, आपने कैसे गणित लगाया? ओके, इसमें एक बड़ी राज है, लेकिन मैं छोटी सी लाइन में बताना चाहूँगी, क्योंकि रेस थ्री की जो एक्टर्स की कॉम्बिनेशन है, उन एक्टर्स की जो डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स टाइमिंग एक्सेट्रा है, वो सब लेकर मैंने कैलकुलेशन किया है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर रेमो डिसूज़ा, एक्टर्स जैकलिन, सलमान खान, रोमेश जी की मूवी है आपको पता होगा, और रेस थ्री जो न्यूमरोलॉजी अकड़ा है, रेस थ्री और किन लोगों के साथ बन रही है, प्रोड्यूसिंग कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर कौन है, वो सारे चीज़ें मैटर करता है, सारे चीज़ों की जो कैलकुलेशन हुई है उसके बाद मैंने ये कहा है रेस थ्री द मूवी विल बी वाओ, और बिकॉज ऑफ दैट एक्टर्स नंबर कॉम्बिनेशंस इस तरह की मूवी दोबारा इस साल में नहीं बनेगी। लेकिन अभी के फिलहाल आप सभी को पता होगा, आई थिंक रेस थ्री रिलीजिंग इन 3D, राइट? यह मैं वही आने वाला था कि अपने प्रोड्यूसर के ऊपर एक कमेंट किया है कि 3D में अगर ये बनाने का मतलब हिदायत दिया उनको कुछ, तो आपने हिदायत दिया प्रोड्यूसर को, वो क्या मतलब क्या है, रस क्या है उसमें? एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कोई भी मूवीज़ की, कई सारी मूवीज़ बनती है बॉलीवुड में, जब तक कोई भी मूवीज़ की तरफ से कोई आकर मुझे जस्ट पूछे नहीं, तब तक मैं कमेंट करने से पीछे रहती हूँ। और रिलेटेड टू रेस थ्री, लाइक कोई अगर मुझे पूछते हैं या कोई मेरे पास आते हैं, तो कैलकुलेशन करके मुझे सही बताना पड़ेगा उनको। बात यह है, कई सारे कैलकुलेशन देखने के बाद जो रेस थ्री अगर 3D में आती है, तो वहाँ पे एक नंबर की अकड़ा होता है 884, जो न्यूमरोलॉजी के लिए इट्स अ वेरी बैड नंबर। तो इसके रिजल्ट रेस थ्री के ऊपर नेगेटिव हिसाब से गिरेगा। और जो 2D में है, वहाँ पे आपको सभी को पता होगा कि 667 की आंकड़ा है, तो उसकी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और 2D में बनती तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा 2, 3, 4 स्टेप थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। और इसी के लिए मैं कहा हूँ, लाइक मैथमेटिक्स करके अभी दिखा नहीं सकती हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात है रेस थ्री और एक पिक्चर आ रहा है संजू, हर किसी की घर में हमेशा सुख दुख की सिचुएशंस इन्वेलेंस होती है। रेस थ्री विल बी फुल एंटरटेनिंग मूवी, राइट? एंड संजू एक बायोपिक है, संजू स्टोरी एक रियल हकीकत दास्तान के ऊपर बेस्ड है, संजय दत्त की बायोग्राफी है, संजय जी की रियल कहानी है वो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखें कि अगर हार्ट टचिंग स्टोरी होगा तो मे बी डेफिनेटली संजू होगी, लेकिन मेरी कहने का मतलब ये है संजू में डेफिनेटली पेन ये सब इंक्लूड होगा, और नॉर्मली आम पब्लिक एज ए ऑडियंस वो लोग घर में भी थोड़ी ऑलरेडी दुखी रहते हैं, और उन लोगों को माना कि हार्ट टचिंग स्टोरी होगी, लेकिन दुखी रहने के वजह से उनको हमेशा एक क्या चीज़ हुई चाहिए होती है, एंटरटेन। तो अगर हम एंटरटेन के साथ जाए तो रेस थ्री विल बी डेफिनेटली वाओ। और संजू की कहानी ओनली बिकॉज ऑफ वन पॉइंट थोड़ी सी पीछे रहेगी, बिकॉज ऑफ वहाँ पे पेन और वो कुछ कुछ हो जो हकीकत के ऊपर बेस्ड है वो रहेगा, और आम आज की जो ऑडियंस है, सारी ऑडियंस ऑलरेडी घर में वो लोग दुखी रहते हैं, आई एम सो सॉरी बट घर पे दुखी रहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा टैकल नहीं कर पाएंगे। तो एंटरटेन के हिसाब से रेस थ्री नंबर वन पे चलेगी, और संजू जो स्टोरी है वो थोड़ी सी 2-3 कदम पीछे चलेगी। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। उसमें आपका क्या मतलब
एक्चुअली मुझे किसी को मूवी एनालिसिस की मैं बहुत छोटी इंसान हूँ लेकिन रिपोर्ट बना के देना था, तो मैंने विरे दी वेडिंग दो बार देखी है। एकता कपूर जी की एक्चुअली एक आदत है, वो मुंह पे बोलती है, और उन्होंने इस बार ऐसी कड़वी सच्चाई उठा लिया है। तो मैंने पढ़ा भी है मीडिया में भी, लाइक यू नो एवरीवेयर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की अप एंड डाउन कंपटीशन चल रही है। और मेरी तरफ से ओके ठीक है, आई एग्री कि आप भाई बहन माँ पापा या फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, एकता कपूर जी ने एक इस तरह की मूवी गिफ्ट की है, लाइक जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल वुमेंस डे। तो ठीक है, नहीं देख सकते फैमिली के साथ, बट द मूवी एक कड़वी सच्चाई है। वो आई थिंक एकता कपूर के सिवा कोई और स्टोरी नहीं कर सकते, सिर्फ वो ही एक वुमेन है जो इस तरह की, लाइक यू नो दीपा मेहता हो गया, लाइक एकता कपूर जी हो गए, वही लोग इस तरह की स्टोरी सामने ला सकते हैं। आई फील देयर ओनली। हाँ, दूसरे है कि आप इतने सब सबके फिल्म के कहानी बताते, मतलब भविष्य बता देते हो जी, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मतलब बड़े बड़े लोगों की कहानी बता देते हो। अब 2019 के जो चुनाव आने वाले हैं तो बहुत कंट्रोवर्शियल चुनाव, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना जी जान लगा देंगे, तो इस पर आपका क्या राय है, कौन आने वाला है? ओके, एक्चुअली मैं प्रेजेंट राहुल गांधी जी हॉरोस्कोप के ऊपर एक महीने से काम कर रही हूँ, और ये कोई कांग्रेस या बीजेपी है तो बुरा मत मानिएगा। कांग्रेस की पल्ला थोड़ी सी वीक है बिकॉज ऑफ राहुल जी की हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए नेगेटिविटी सिचुएशंस की पैदा करते हैं, और एक्चुअली कांग्रेस में केटू की कमी है, केटू की पावर, तो उनको अभी सीक्रेट कोड में बता रही हूँ, नहीं तो अभी नहीं बताना है, अदरवाइज आपको पता ही होगा लोग कॉपी कर लेते हैं। तो केटू की कमी है कांग्रेस में, तो बहुत बुरी तरह से केटू की पावर की कांग्रेस को ज़रूरत है, अदरवाइज 2019 उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और राहुल गांधी जी को बहुत 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 ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली कहना मेरा अच्छा नहीं रहेगा, एंड आई डोंट वांट टू टेल दैट, एक्चुअली मुझे हंगामा खड़ा नहीं करना है, बट मुश्किल दिख रहा है। अगर वो सारे चीज़ें मैं अपलोड करूँगी आप सभी के सामने, उनका काम हो जाने दीजिए, वो सारे चीज़ें अगर वो करेक्ट करवा लेते हैं तो ही कांग्रेस आ सकती है 2019 में, अदरवाइज इस सिचुएशन में रहा तो 2019 में कांग्रेस डेफिनेटली मुश्किल में है। अच्छा, दूसरा सवाल आपको पर्सनल सवाल, तो मतलब आपका जो सोशल जो आपका जो साइट है, जो भी साइट है सोशल साइट पर आपने सलमान खान के फिल्म को बताते हो, संजय दत्त के ऊपर बताते हो, लेकिन महेश बाबू के ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं किया, बट हर एक जगह फोटो तो महेश बाबू का लगा हुआ रहता है, क्या आपका साथ रिश्ता क्या है? सिंपल सा सवाल है लेकिन आपने घुमा फिरा के पूछा है। एनीवेज आई लाइक महेश बाबू, सो महेश बाबू मुझे पसंद है, एंड सलमान इज़ ब्रिलियंट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड एंड ही इज़ फ्रॉम साउथ, एंड ही महेश बाबू एंड सलमान बोथ इज़ नंबर 9, पार्ट ऑफ नंबर 9, एंड 9 इज़ लकी नंबर फॉर मी, सो ऐसा कुछ कंपेरिजम नहीं करें आप, तो ऐसा कुछ नहीं है, और या वो मेरी मुझे पसंद है, दैट्स इट, इसके लिए उनकी पोस्टर्स या फोटोज यूज करती हूँ, ऐसा कुछ प्यार करते नहीं है। आप उसे प्यार करते हो? माँ भी बच्चे से प्यार करते हैं, भाई बहन भी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो प्यार किस तरह का प्यार? और ही इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस तरह से स्टाइलली पूछ रहे हैं, तो किस तरह का मतलब, एज ए एक दर्शक है, एज ए भाई बहन है, किस तरह का? एज ए बहन, एज ए दर्शक, डेफिनेटली ही इज अ एक्टर, आई एम एन ऑडियंस, ही इज फेवरेट टू मी। तो आपके लाइफ में अभी मतलब आप यंग है, यंग एस्ट्रोलॉजर इंडिया, तो क्या मैं जल्दी बूटी तो हो जाऊं? और बहुत खूबसूरत भी है, तो क्या किसी से आपका? आपकी मुझसे पहली बार सुन रही हूँ कि इतनी खूबसूरत, कोई लोग तो गालियां देते हैं। अच्छा, आपके आपके अभी किसी से प्यार या मतलब किसी मतलब पर्सनल में आपके किसी? मैं सही सुन रही हूँ ना? ओके, मेरा सबसे पहला प्यार है एस्ट्रोलॉजी से, आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग,
और आप अगर कोई इंसान से रिलेटेड पीआर वीआर पूछ रहे हैं, आई डोंट थिंक मेरे हॉरोस्कोप में ऐसा कुछ है और होने वाला है, मुझे नहीं लगता है. एंड माय नेम इज़ अटलांटा कैसप, एंड अटलांटा कैसप की जो हॉरोस्कोप है, अटलांटा वाज ए प्रिंसेस, सो उनकी लाइफ में भी ऐसा शादी वादी का कोई मजरा नहीं था. आई डोंट थिंक कि मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा कुछ करोगे कुछ शादी करोगे कि नहीं करोगे शादी करोगे कि नहीं अभी है ही नहीं तो कहाँ से होगी शादी. नहीं, आप बोले कि अटलांटा जैसे, मतलब अटलांटा नाम की जो लड़की है उनके हॉरोस्कोप में शादी का योग है ही नहीं. तो आपका भी आपका मन में क्या है, आप है कि नहीं है? आप एक एस्ट्रोलॉजर, आपका खुद का ऊपर तो देखा होगा आपने, मैंने पहले सुना था. आप पूरे मीडिया सभी लोग पहले सलमान की शादी के पीछे पर, अब मेरे पीछे पड़ रहे हैं, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया. दुनिया का होता था तो खुद का तो बताइए क्या है आपका, आपके विषय में आप खुद का एनालाइज किया है? ओके, ठीक है. कोई आसमान से यू नो हूर पड़ी तो नहीं, हूर पड़ा कोई राजकुमार आएगा तो लेट्स सी, आई विल सी दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.